जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार औषधि पौधों की जानकारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपको बबूल की ही एक प्रजाति जिसको कि हमारे यहाँ बड़ बब्बुर या लता बब्बुर बोला जाता है, कहीं कहीं इसको दंती बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में क्लाइंबिंग अकेसिया नाम से भी जाना जाता है। इसके तने पर पूरे कांटे कांटे होते हैं, पत्तियाँ बबूल के सदृश होती हैं और कांटे बहुत छोटे छोटे बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जिस प्रकार लता करंज के पौधे में कांटे होते हैं उसी प्रकार से इसमें कांटे होते हैं और उसी की नुमा या झाड़ी नुमा पौधा होता है। इसके पुष्प जो है जब दोस्तों खिलते हैं तो इसके जो है गुलाबी कलर के, जिस प्रकार छुई मुई का पुष्प होता है उसी प्रकार से इसके पुष्प होते हैं, और जो सूखने के पश्चात जैसे शाम होगी वैसे ही इसका रंग सफ़ेद होता जाता है। कुछ लोग दोस्तों इसको YouTube पे सिकाकाई का पौधा बता रहे हैं, लेकिन सिकाकाई का पौधा अलग होता है या दंती बड़ बब्बुर का पौधा है, जिसका कि दोस्तों हम इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। इसकी पत्तियां जो होती हैं उनको जो है हम सुखाकर अपने मुख रोगों में, दांत रोगों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें चूर्ण, उसका सुखाकर चूर्ण बना लें, उसमें नमक व तेल, कड़वा तेल मिलाकर दांत का मंजन करें, अथवा ऐसे भी हम इनकी पत्तियों को जो है तोड़कर उनको मुंह में चबाते हैं, जिस कारण हमारे मुंह में जो छाले हो गए हैं उनमें, उन समस्याओं में लाभ करेगा। हमारे मसूड़े ढीले हो गए हैं या दांत दर्द कर रहा, उसमें यह बहुत अच्छा काम करेगा। इसके साथ ही दोस्तों इसकी पत्तियों को जो है खाने से हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम भी सही रहता है, जो अपच की समस्या उसमें भी लाभ करेगा। इसका पत्तियां रक्त शोधक भी होती हैं दोस्तों, जिस कारण हमारे शुगर में भी यह अच्छा काम करेगा, क्योंकि यह कड़वा होता है, पत्तियां खाने में इसकी कड़वी होती हैं और कड़वा कोई भी चीज़ होगी वह रक्त शोधक होती है। रक्त शोधक मतलब खून को शुद्ध करेगी। तो दोस्तों इस प्रकार यह पौधा जो कि हमारे यहाँ प्रायः कम मिलता है, अन्य जगहों पर पाया जाता होगा, हमारे यहाँ कम मिलता है, इसको बड़ बबूल नाम, बड़ बबूल के नाम से जानते हैं। इसके अन्य भी उपयोग हैं, लेकिन जो भी उपयोग मुझको मालूम थे मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। इसको पहचाने दोस्तों और इसका उपयोग करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।